तो गाइस सबसे पहले इस वीडियो का एडिट करने के लिए क्या करेंगे गाइस, हम पहले जो यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। वीपीएन वगैरह सब कुछ आप ऑन रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक वगैरह होगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिस वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस कोशिश करना कि आपकी वीडियो की जो लेंथ होगी वो अराउंड 12 से 15 सेकंड के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तक भी होगी तो चलेगा, क्योंकि यार अभी हमें इसमें लोमो वगैरह भी ऐड करना है, तो हमारी वीडियो की जो लेंथ कम हो जाएगी, बाकी आप वो हम मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरले ऐड करेंगे जिसमें गाइस एक वीडियो को ऐड करेंगे हम, ये वाली, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को, ठीक है। इसका म्यूजिक भी हमें यूज़ करना है, तो अभी सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। तो साइड में उसको छोटा करके इस टाइप से यहाँ पे रख देंगे, और फिर सबसे पहले यहाँ पे प्ले करके मतलब कि प्ले बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर लेते हैं ब्लर वाला। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट ले लेंगे, और यहाँ पे मैं डायमंड ब्लर का यूज़ करूँगा। अगर आपको कोई और ब्लर यूज़ करना होता तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डायमंड ब्लर यूज़ कर लेते हैं, एंड इसकी जो साइज़ है मैं यहाँ पे बड़ा रखूँगा। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फोटो को आपको सॉरी वीडियो को यहाँ पे डन करना है। इसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे आपको प्ले करके देखना है कि वीडियो की लेंथ, वीडियो में कहाँ तक ब्लर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे वाली वीडियो में दिख रहा होगा तो ब्लर कुछ यहाँ तक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको यहाँ पे इसको जो यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे प्ले करके चेक करेंगे कि ब्लर जो है सेम टाइम पे खत्म हो रहा नहीं हो रहा। और एंड यहाँ पे एक इफेक्ट दिख रहा होगा आपको बीच में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे एनिमेशन है जो कि, तो यहाँ पे वीडियो को जो हम स्प्लिट करेंगे जहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं। फिर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन मिल जाएंगे आपको, तो जिसमें से मैं ये वाला यूज़ करूँगा, आप चाहो तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अभी इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्ले करके कि यहाँ पे अच्छे से जो यहाँ पे इफेक्ट वगैरह हमारा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे एनिमेशन भी अच्छे से वर्क कर रहा है एकदम सेम टाइम पे। तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वीडियो हम यहाँ पे स्लोमो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जहाँ से डिलीट कर देते हैं वाटर मार्क को, और यहाँ पे जो है एक बीच में एक इफेक्ट ऐड करेंगे जो कि एक वाइट फ्लैश वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पहले तो स्लोमो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस फ्लैश वगैरह बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टम वाले में, और कस्टम के अलावा अगर आपको इनमें से कोई और भी अगर आपकी वीडियो के हिसाब से सूट हो जाता है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कस्टम वाले में ये वाला यूज़ करता हूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे स्लोमो ऐड कर लूँगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे कि स्लोमो वगैरह सही से लगा कि नहीं लगा, ठीक है। एंड लास्ट में अब हमारा क्या रह जाता है जो कि हमें वो लगाना था फ्लैश इफेक्ट। तो सबसे पहले हम वीडियो यहाँ पे बीच में रख लेंगे, एंड उसके बाद वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ट्रेंडिंग के सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा वो जो कि है यहाँ नीचे की तरफ ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला रख देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो इसकी लेंथ थोड़ी कम करके रख देनी है। एंड आप आपको वीडियो को प्ले करके चेक कर लेना है कि सारा जो इफेक्ट है हमारा वीडियो के हिसाब से आप ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, और जो मतलब कि म्यूज़िक के हिसाब से इफेक्ट है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे जो है मतलब सब कुछ इफेक्ट वगैरह लग चुका था। अभी हम वीडियो को सेव कर लेते हैं। बाकी आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं देखती है गाइस, आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद था वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।